लास्ट डे हमने आपको बताया था इसके कुछ रूल्स, और आज हम उसी के आगे जो भी रूल्स हैं उनको हम आपको बताएंगे। मतलब लास्ट डे हमने आपको बताया था कि सम वर्ड्स वी ऐड एस टू मेक प्लूरल, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं एस ऐड करके प्लूरल्स बनाते हैं। और जस्ट आफ्टर सेकेंड रूल्स जो हमने आपको बताया था कि इफ एनी वर्ड्स एट लास्ट कम टू वाई एंड जस्ट वाई बिफोर कम्स एनी वॉवेल्स देन वी एड एस टू मेक प्लूरल। तब हम कहने का तात्पर्य है कि किसी भी शब्द के लास्ट में अगर वाई आ जाए और वाई के बिफोर भी आपका कोई भी वॉवेल्स हो तो उस कंडीशंस पर हम उसके साथ में ओनली एस एड करके प्लूरल बनाते हैं। और थर्ड जो रूल्स था वो हमने आपको बताया था कि इफ एनी वर्ड्स एट लास्ट कम्स वाई एंड बिफोर एनी कॉन्सोनेंट्स देन वी एड आई एस टू मेक प्लूरल रिमूव वाई। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी शब्द के लास्ट में वाई आ जाए और वाई के बिफोर में कोई भी कॉन्सोनेंट्स हो उस कंडीशंस पर हम जब उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो प्लूरल बनाने में करते क्या है कि वाई को रिमूव कर देते हैं और वाई की प्लेस पर हम आई एस एड कर देते हैं। आज देखिए नेक्स्ट रूल होता है
पत्नी, वाइफ मीन्स होता है पत्नी, जब हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो कहना नहीं देखते हैं वाइफ में एफ ई लास्ट में आ रहा है, जब हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो एफ एफ ई को रिमूव कर देंगे और इसकी प्लेस पर कहना नहीं पी एस वो हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा जाकर के डब्ल्यू आई वी ई एस वाइफ, वाइफ मीन्स होता है पत्नियां। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं कल, कल मीन्स होता है बछड़ा, लास्ट में वही कंडीशन है एफ आ रहा है, जब हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं सी ए एल और एफ की प्लेस पर हम बी एस ऐड कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रोल्स, नाउंस विच डू नॉट चेंज इन
yes. B. Come. Plural. By adding yes. आप देखते हैं किसी भी नाउन्स के लास्ट में x, ch, s, sh एंड o एंड o वी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग yes. कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी भी नाउन्स के लास्ट में x आ जाए, ch आ जाए, s आ जाए, sh आ जाए या फिर o आ जाए, तो जब हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ में हम yes ऐड कर देंगे, ना ही हम उसके साथ में s ऐड करेंगे, ना ही bs और ना ही is, ना ही उसका प्लूरल हम सेम रखेंगे, बल्कि हम उस कंडीशन पर उसके साथ में yes ऐड कर देंगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं। बस एग्जांपल नंबर फर्स्ट बस। बस आपका कहना है एक व्हीकल्स होता है, साधन होता है, आने जाने का एक साधन होता है जिसके माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को कवर करते हैं। तो एग्जांपल नंबर बस, जब बस को हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका बसेस। लास्ट में देखते हैं एस आ रहा है, इसलिए जब हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं बी यू एस ई एस बसेस, बसे। इस बस का मतलब होगा बस और बसेस बसे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बुश। बुश मींस होता है झाड़ी, बुश मींस होता है झाड़ी। जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं बी यू एस एच और ई एस, क्योंकि लास्ट में एस एच आपका आ रहा था, इसलिए जब हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो उसमें भी हम ई एस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट बफेलो, बी यू डबल एफ ए एल ओ। बफेलो मींस होता है भैंस, बफेलो मींस होता है भैंस। और लास्ट में देखते हैं कहीं ना कहीं वाई ओ, वो शब्द आपका आ रहा है, तो जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो बी यू डबल एफ ए एल ओ Yes, buffaloes। तब हम उसमें yes ऐड कर देंगे। थैंक यू।